इमेजिन यू वुड गेट ऑन एवरी प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम किसी अन्य ग्रह पर जाएंगे तो वहाँ के वातावरण में जाने के बाद हमारे शरीर पर क्या असर होगा। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए अगर हम सौर मंडल में मौजूद अन्य ग्रह पर जाएं तो क्या होगा। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये ग्रह एक पत्थर के टुकड़े की तरह है जो चांद की तरह दिखाई देता है। इस ग्रह पर आपको गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे, क्योंकि इस ग्रह का वास्तव में कोई तापमान नहीं है जो इसकी सतह की सुरक्षा कर सके। ये संभव है कि कुछ उल्का पिंड बुध ग्रह की सतह से टकराए और आपको मार दे। ये ग्रह सूर्य के बेहद नजदीक है और इस वजह से बुध ग्रह पर सोलर रेडिएशन का प्रभाव ज्यादा रहता है, जो कि किसी की भी मौत का कारण बन सकता है। सभी ग्रहों में से मरकरी एक ऐसा ग्रह है जिसके तापमान में सबसे ज्यादा बदलाव होता है। दिन के समय में इसका तापमान 800 डिग्री फारेनहाइट पहुंच जाता है, तो वही रात के समय इसका तापमान -340 डिग्री फारेनहाइट तक चला जाता है। इस ग्रह के घूमने की गति इतनी धीमी है कि आप इस ग्रह पर कुछ समय दोनों तापमान के बीच में गुजर सकते हैं, जो लगभग 200 डिग्री फारेनहाइट होता है। वीनस यानी शुक्र ग्रह हमारा पड़ोसी ग्रह है, जो गैसीय वातावरण से युक्त है। इसमें खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड होने के साथ साथ यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा भी होती रहती है। वीनस ग्रह का तापमान 870 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जो इस ग्रह को काफी गर्म बना देता है। आप इस ग्रह पर जाने के बाद जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि यहां के इतने ज्यादा तापमान में आप जलकर राख हो जाएंगे। इस ग्रह की पूरी सतह खतरनाक गैसों के बादलों से ढकी हुई है और यहां पर हवा इतनी तीव्र गति से चलती है कि कई बार इनके द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा भी की जाती है। यहाँ हवा 224 माइल्स प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और बादलों को लगातार घुमाती रहती है, जैसे कि किसी गर्म ज्वालामुखी का कोई तूफान हो। इस ग्रह पर रहना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर ना के बराबर सूर्य की रोशनी है और बादल 90% सूर्य के प्रकाश को ढक कर रहते हैं। अर्थ, पृथ्वी जिसे अर्थ भी कहा जाता है। पूरे सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां हम रह सकते हैं, वो भी सबसे ठंडे इलाके जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी। सोलर सिस्टम के अनुसार पृथ्वी जीवन के विकास हेतु एक बेहतरीन ग्रह है। ये ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। किसी भी तरह के जीवन के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी होता है, जो पृथ्वी पर उपलब्ध है। पृथ्वी पर हम काफी सहज महसूस करते हैं और सौर मंडल में मौजूद अन्य ग्रहों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। मार्स। मंगल ग्रह किसी लाल रंग की गेंद की तरह दिखाई देता है, जहां दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और गहरी घाटियां हैं। इस समय मंगल ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहां का बहुत ही निम्न वायुमंडलीय आपके शरीर से पानी को सोख लेगा और आपका शरीर जगह जगह से जल जाएगा। आप मंगल ग्रह पर मौजूद यूवी रेडिएशन से बच नहीं सकते। मंगल ग्रह अपने बड़े मिट्टी के तूफानों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें छोटे छोटे बवंडर भी होते हैं। हवा इतनी मजबूती से चलती है कि इससे उत्पन्न होने वाला तूफान हजारों किलोमीटर के एरिया में फैल जाता है और महीने भर तक रहता है। अगर हम मार्स के मौसम की बात करें तो यहाँ मौसम पल पल में करवट बदलता रहता है। इस ग्रह की सूर्य से दूरी काफी ज्यादा है, इसी वजह से मंगल ग्रह का तापमान पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा ठंडा रहता है। यहाँ का औसत तापमान -51 डिग्री फारेनहाइट रहता है और सर्दियों के मौसम में यहाँ का सबसे न्यूनतम तापमान -225 डिग्री फारेनहाइट तक हो जाता है और गर्मियों के मौसम में 95 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है। जुपिटर। बृहस्पति ग्रह आपका स्वागत सिर्फ एक सेकंड के लिए ही करेगा, क्योंकि उसके बाद आपका सामना हवा और तूफानों से होगा, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। इस ग्रह में मौजूद बड़ा लाल निशान सौर मंडल में आए सबसे बड़े तूफान का निशान है, जिसमें हवा 270 से लेकर 425 मिली प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। स्पेस में महसूस किया गया ये सबसे क्रूर तूफान था। वैज्ञानिकों ने इस सतह के नीचे 200 मील की रफ्तार से होने वाले तूफान की खोज की थी। इस ग्रह पर उत्पन्न होने वाले तूफान की वजह से इतनी गर्मी पैदा हुई, जो 2420 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच गया था। 1979 से इस ग्रह का आकार हजारों मील के आकार में कम हो चुका है। जुपिटर्स मून, आईओ और पीजा मून।
इस ग्रह को जुपिटर पिज़ा मून भी कहा जाता है। ये ग्रह अपने लगातार ज्वलंत ज्वालामुखी के लिए मशहूर है। इस ग्रह की सतह देखने में बिल्कुल किसी एक्स्ट्रा चीज वाले पिज्जा की तरह दिखाई देती है। जुपिटर मून IO सौर मंडल की दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वाला ग्रह है। यहाँ 100 से भी ज्यादा धधकते हुए ज्वालामुखी है जिनसे निरंतर लावा निकलता रहता है जो काफी लंबी दूरी तय करता है। IO की सतह पर पिघले हुए सिलिकेट की झील बहती है। उस बहती हुई झील के पास जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनमें से सड़े हुए अंडों की बदबू आती है। सैटर्न शनि ग्रह यानी सैटर्न ग्रह भी जहरीले गैसों का चैम्बर है। आप इसमें बादलों में तैरते रहेंगे जब तक कि आपको तेजी से बहती हुई हवा आपको नष्ट कर दे। ये किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में बहुत तेजी से घूमते हुए पानी के भंवर जैसे बनाते हैं। आपको शनि ग्रह पर आसमानी मिट्टी में खोने से पहले पलक झपकने तक का समय नहीं मिलता है। ये ग्रह बादलों की 3 परतों से बना हुआ है। इस ग्रह में इतनी शक्तिशाली हवा चलती है कि वो 1100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है जिसमें गर्मी लगातार रूप से बढ़ती रहती है। आप जितना इस ग्रह की गहराई में जाएंगे उतना ही आपको ग्रह के गैसीय वातावरण के कारण मुश्किलें आएंगी। इस क्षेत्र में दबाव पृथ्वी के समुद्र के नीचे होने वाला काफी ज्यादा गहराई के जैसा होता है। यूरेनस इस ग्रह पर जीवित रहने का कोई भी अवसर नहीं है। यूरेनस यानी अरुण ग्रह की खुद की कोई सतह नहीं है जिस पर आप उतर सके, और अगर आप किसी भी तरह इसकी सतह पर उतर ही गए तो यहाँ दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो आपको पल भर में ही नष्ट कर देगा। हालांकि इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण और ऊपरी परत बिल्कुल पृथ्वी के जैसे है, यूरेनस पर पृथ्वी के मुकाबले 15 गुना अधिक दबाव होता है। चमकती हुई बिजली यहाँ मीथेन को कार्बन में बदल देती है जिसके बाद वो ग्रेफाइट के टुकड़ों के रूप में नीचे गिरने लगती है। नेपच्यून और ट्राइटन नेपच्यून अपने यहाँ चलने वाली ताकतवर हवाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ चलने वाली हवाओं की ताकत तो प्रकाश की गति से भी काफी तेज होती है और पूरे सौर मंडल में केवल इसी ग्रह पर इतनी तेज गति से हवा चलती है। 13 मून में से एक नेपच्यून ट्राइटन को पूरे सौर मंडल में सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह माना जाता है। इसकी सतह का तापमान -391 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है। जरा कल्पना कीजिए कि जब कोई एटम रुकता है तो तापमान 1 केल्विन यानी -460 डिग्री फारेनहाइट होता है। ग्रह पर बहुत से बर्फीले ज्वालामुखी भी हैं जो आकाश में बर्फ और अमोनिया फैलाते रहते हैं। जब भी आप किसी बर्फीले दिन घूम रहे हो तो बस ये दुआ कीजिए कि आप ट्राइटन पर नहीं रहते हो। प्लूटो प्लूटो का वातावरण बहुत ही पतला होता है जो उसकी सतह के 5 गुना यानी 100 मील तक फैल सकता है। प्लूटो की सूर्य से दूरी लगभग 3.67 बिलियन मील है, तो आप इस बात की बड़ी आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि प्लूटो पर कितना ठंडा वातावरण रहता होगा। इस ग्रह का तापमान कई बार -428 डिग्री फारेनहाइट तक चला जाता है और यहाँ केवल पहाड़ और बर्फ है जो यहाँ की हवा को और भी बर्फीली बनाती है। प्लूटो की घूमने की दूरी 120.5 डिग्री की तरफ झुकी हुई है। ग्रह के एक हिस्से पर काफी समय तक अंधेरा रहता है।